हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा लेस बॉर्डर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस बॉर्डर डिज़ाइन की खासियत ये है कि इसमें कोई जाली नहीं पड़ती है और इस जो ये पैटर्न है ये इस तरीके से देखिए गोल बनकर आता है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, हाईनेक स्कार्फ, शॉल, मफलर और बेबी फ्रॉक के बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बेबी फ्रॉक की स्लीव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पिलो कवर, सेंटर कवर के लिए भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे बहुत सारे वुलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट पे भी आप इसको बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में 10 स्टिच लिए जाते हैं और 24 रो पे कम्प्लीट होता है। 10 फंदों का डिज़ाइन है और 24 सिलाइयों पर कम्प्लीट होता है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, ये दोनों तरफ से सीधा ही बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत बॉर्डर डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने 10 फंदे सिलाई पे लिए हैं और 10 फंदों के बाद हम फर्स्ट रो बिनेंगे राइट साइड से। तो हम इसे इस बॉर्डर डिज़ाइन में आपको कोई फंदा स्लिप्स नहीं करना, यानी कि कोई फंदा बिना बिने नहीं उतारना है। तो पहले फंदे को हम बिनेंगे इस तरीके से, पहला फंदा हमने सीधा बिना। उसके बाद देखिए ये हमारा दूसरा फंदा है, इस फंदे को हमें कैसे बिनना है। तो पहले तो हम इसे सीधा ही बिनेंगे, जैसे नॉर्मल हम सीधा फंदा बिनते हैं उस तरीके से हमें इसमें बिनना है, क्योंकि हमें इसमें जाली नहीं देनी है। तो पहला फंदा हमने सीधा बिना, फिर उसी फंदे को हम बैक लूप से सीधा बिनेंगे। देखिए बैक लूप में हमने सिलाई ली और सीधा ही बिन दिया। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा जो है वो बढ़ गया है, तीन दो फंदे हो गए एक फंदे के, बाकी के हमारे जो फंदे हैं 8 वो सीधे ही बिने जाएंगे। दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाता है, तो यहाँ पर हम सीधा ही बिनते हुए फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई हमारी, रो सेकंड आ गई है हमारी, सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की आएगी और पूरी ही रो को हमें सीधा बिन देना है, कुछ नहीं करना है। रॉन्ग साइड पे हमें जितनी भी हमारी इस डिज़ाइन की रॉन्ग साइड आएंगी उनको हमें सीधा ही बिन देना है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट का फंदा हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे एक फंदा बढ़ गया, 10 और एक 11, 11 फंदे हो गए हैं। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आएंगे, रो हमारी ये थर्ड है और पहले फंदे को हम बिनेंगे। उसके बाद दूसरा फंदा जो ये है हमारा, इसको हमें एक बार तो नॉर्मल सीधा ही बिनना है इस तरीके से, उसके बाद हमें इसी फंदे को बैक लूप से सीधा बिन देना है। तो यहाँ पर हम जो दूसरा फंदा है इसमें से फंदे बढ़ा रहे हैं, पहले हम इसे सीधा बिनेंगे उसके बाद हम इसी फंदे को बैक लूप से सीधा बिनेंगे इस तरीके से। तो फिर से हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है, फिर बाकी के हमारे जो फंदे हैं इनको हमें सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। जो हमारा रॉन्ग साइड है, रो फोर है हमारा, और रो फोर हमारा रॉन्ग साइड की तरफ का पूरा ही सीधा बिना जाएगा। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग साइड पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको हमें सीधा बिन देना है, दोनों तरफ से सीधा ही बिना जाएगा। अब मैं इसके आगे की रॉन्ग साइड की रो नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि रॉन्ग साइड की रो आपको पूरा ही सीधा बिन देना है। तो यहाँ पर अब हम रॉन्ग साइड की रो को नहीं देखेंगे, राइट साइड की रो को आपको मैं दिखाऊंगी। तो अब हम फिर से राइट साइड पर आएंगे और ये हमारी फिफ्थ रो है। तो यहाँ पर हम पहले फंदे को सीधा ही बिनेंगे, दूसरे फंदे को हम एक बार सीधा बिनेंगे, फिर सेम उसी फंदे को हमें बैक लूप से सीधा बिन देना है इस तरीके से। एक फंदे के दो फंदे बना लेने हैं, बाकी के हमारे जो पीछे वाले फंदे हैं ये हमारे सीधे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पर हमें राइट साइड की रो पे एक फंदे को बढ़ा लेना है और रॉन्ग साइड की रो पे हमें सेम बिन देना है, सारे ही फंदों को सीधा ही बिन देना है। सिक्स रो हम बिन लेते हैं रॉन्ग साइड की। अब देखिए हमने सिक्स रो रॉन्ग साइड की जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम रो सेवन पर हैं, रो सेवन हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे को हम एक बार पहले सीधा बिनेंगे, फिर बैक लूप से हम उसे दोबारा से सीधा ही बिनेंगे, फिर हमारे पीछे के फंदे सीधे बिने जाएंगे। बहुत ही इजी है, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही खूब अच्छा डिज़ाइन है। आप इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं बना के।
रॉन्ग साइड की रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, एट रो को। एट रो हमारी कंप्लीट हो गई है, सीधा बिनते हुए हमने कंप्लीट किए। अब हम रो नाइन पर हैं, राइट साइड की रो आएगी हमारी। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, उसके बाद दूसरे फंदे को हम पहले सीधा बिनेंगे, फिर बैक लूप से हम उसे फिर से सीधा ही बिनेंगे। देखिए, बैक लूप में सिलाई लेंगे, सीधा बिन देंगे, बाकी के फंदों को हमें सीधा ही बिन देना है, पीछे वाले फंदों को। इससे हमारी, हम एक फंदे के जो दो फंदे बना रहे हैं उससे हमारा एक एक फंदा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कहीं पर जाली नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई है। रो 10 हमारी रॉन्ग साइड की आएगी, पूरी ही रो को हमें सीधा बिन लेना है। रो 10 हमने कंप्लीट कर ली है, अब रो 11 पर है, राइट साइड की रो आएगी। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे को हम पहले सीधा ही बिनेंगे, उसके बाद उसी फंदे को हम बैक लूप से सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से पीछे वाले हमारे सारे फंदे सीधे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पर हमने रो 11 राइट साइड की कंप्लीट कर रहे हैं हम। रो कंप्लीट हो गई, रो 12 हमारी रॉन्ग साइड की आएगी, कंप्लीट कर लेंगे हम सीधा बिनकर। रो 12 हमने देखिए कंप्लीट कर ली है, अब हम रो 13 पर हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कितने फंदे बढ़ाए, हमने यहाँ पे 6 फंदे बढ़ाए। देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, 10 फंदे हमारे सिलाई पे थे और हमने देखिए 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब यहाँ पर हमारे 16 फंदे हो गए हैं, 10 फंदे थे, 6 फंदे बढ़ाए, 16 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर अगर हम इसे सीधा सीधा बनाएंगे तो हमारा कोना निकलेगा, लेकिन हमें इसे गोलाई देनी है। देखिए इस तरीके से ये हमारी जो गोलाई है ये आनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमें फंदों को घटाना कैसे है, हमारे देखिए ये इस तरीके से गोल आना चाहिए। इसमें अगर हम एक साथ 6 फंदे घटा देंगे तो हमारा कोना बन जाएगा, यहाँ पे नोक सी निकल जाएगी इस तरीके से, लेकिन हमें नोक नहीं निकालनी, हमें गोलाई लानी है इसकी पूरी इस तरीके से। तो इसके लिए देखिए हमें कैसे बिनना पड़ेगा इसे। रो 13 हमारी राइट साइड की आएगी, पहले फंदे को तो हम सीधा ही बिनेंगे, उसके बाद देखिए ये दो जो फंदे हैं हमारे, एक और दो, इन दो फंदों को हमें एक साथ बिनना है, यानी कि दो फंदों का हमें एक फंदा बना देना है। देखिए इस तरीके से आपको नहीं बिनना है, बैक लूप से आपको दोनों फंदे बिनने हैं इस तरीके से। बीच में से सिलाई पीछे की तरफ करेंगे और दो फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। इसका ख्याल रखिए कि आप इसे सीधे आगे की तरफ से नहीं बिनेंगे, इसको आपको बैक लूप से ही दो फंदों को एक साथ बिनना है और दो फंदों का एक फंदा बनाना है। जो पीछे के फंदे हैं वो हमारे सेम बिने जाएंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी रो 13 राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। रो 14 हमारी आ गई है। देखिए रो 14 तो वैसे हमारी पूरी सीधी ही बिनी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने एक फंदा घटाया है, तो इस वजह से मैं आपको रो 14 दिखा देती हूँ, सीधा ही बिनना है। तो यहाँ पे हमारी रो 14 रॉन्ग साइड की बिनते हुए, देखिए यहाँ पर हमने फंदा घटाया था, इसे भी सीधा ही बिन देंगे, लास्ट का फंदा भी सीधा ही बिन देंगे। तो रो 14 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 15 पर आ गए हैं। 15 हमारी राइट साइड की तरफ आएगी, पहले फंदे को हम सीधा बिन लेंगे, फिर दो फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, यानी कि दो फंदों का हम एक फंदा कर देंगे, बैक लूप से हम दोनों फंदों को एक साथ बिनेंगे इस तरीके से। देखिए दो फंदे हैं, एक साथ हमने लिया सिलाई पे बैक लूप से और सीधा बिन दिया। पीछे वाले फंदों पे से हमें इसे सीधा बिनना है, बाकी के जो हमारे फंदे हैं वो सीधे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रो 15 कंप्लीट कर लिए। रो 16 हमारी रॉन्ग साइड आएगी, कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिनकर। ये देखिए रो 16 हमने कंप्लीट कर ली है। रो 17 पर है, राइट साइड की आएगी, पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, इसके बाद देखिए दो फंदे हमारे ये वाले हैं, इन्हें हम बैक लूप से सीधा ही बिनेंगे, दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे बीच में से सिलाई पीछे की तरफ करते हुए और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, बाकी के जो हमारे फंदे हैं वो सीधे ही बिने जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारी रो 18 रॉन्ग साइड की आएगी और इसे हम सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। रो 18 हमने कंप्लीट कर ली है, रो 19 पर आ गए हैं। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे और ये वाले जो दो फंदे हैं इन्हें हम बैक लूप से दोनों को एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से और बिन देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने एक फंदा घटा दिया है और पीछे वाले जो हमारे फंदे हैं वो सीधे ही बिने जाएंगे, तो उन पे हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वो हमारे सेम चलते रहेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे हमने रो कंप्लीट कर ली है, रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। 20 कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिन के, रो 20 हमने सीधा बिन के कंप्लीट कर ली है। रो 21 है हमारी, राइट साइड की रो आ गई है ये, पहले फंदे को हम सीधा ही बिनेंगे, फिर हमें दो फंदों को बैक लूप से एक साथ बिन देना है, दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। आप इसे इसी तरीके से ही बिनेंगे, बैक लूप से पीछे की तरफ सिलाई करेंगे, आगे से बीच में से, और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। बाकी के जो हमारे फंदे हैं वो सेम सीधे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पे हम 21 रो बिन रहे हैं, राइट साइड की कंप्लीट हो गई। 22 रो हमारी रॉन्ग साइड की कंप्लीट कर लेंगे सीधा बिन के, 22 रो हमने कंप्लीट कर ली सीधा बिन के। 23 रो पर हैं, पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, दो फंदों को हम एक साथ बैक लूप से बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे और बाकी के जो हमारे फंदे हैं उनको हमें सीधा ही बिन लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 फंदे जो बढ़ाए थे वो 6 फंदे घटा लिए हैं। हम अब हमारी सिलाई पे उतने ही फंदे हैं जितने हमें हमने शुरू किए थे बिनना, 10 फंदे हो गए। 24 रो को हम सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे, रॉन्ग साइड की रो 24 हमने कंप्लीट करी, हमारे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए बिल्कुल गोल आया है बनके, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईजी है। ये देखिए इस तरीके से आएगा, आप इसको दोनों ही तरफ से यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से। फंदे हमारे 10 हैं, जितना हमने शुरू किया था जितने फंदों से उतने ही फंदे हमारे सिलाई पे वापस से आ गए हैं। अब हम इन्हीं के ऊपर 24 रो फिर से कंप्लीट करेंगे, 24 रो रिपीट करते जाएंगे और हमारा ये खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन बनके कंप्लीट होता जाएगा। आपको इसे जितना बनाना है आप इसे उतना बना लीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।